देख सकते हो गार्डन के अंदर बहुत ही बड़ा, देख सकते हो पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है उधर सामने और पूरा समुद्र। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे है जूते का घर, 2 किलोमीटर का वॉक करके आया है। गार्डन में ये वायर से हनुमान दादा का मूर्ति भी बना हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे एक इतना बड़ा वॉच बना। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, जय श्री राम, बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम जेठा और व्लॉग्स। तो गाइस आप सब लोग कैसे हो, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग है कमला नेहरू पार्क और हैंगिंग गार्डन जो अपना ये गिरगांव चौपाटी से ऊपर की साइड आया हुआ है पूरा। तो देख सकते हो अभी हम लोग यहाँ पे सर्कल पे खड़े, देख सकते हो ये चौक पड़ता है यहाँ पे और यहाँ पे सामने है कमला नेहरू पार्क और यहाँ पे पीछे है हैंगिंग गार्डन। तो फिर आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ दोनों गार्डन का। गाइस यहाँ पे कैसे आना वो भी आप सभी लोगों को मैं वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कौन से स्टेशन से आपको कौन सी बस मिलेगी यहाँ के लिए वो भी पूरा ये वीडियो में जानकारी दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आने के लिए किधर से भी बस मिल जाएगी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से, ग्रांड रोड, चर्च गेट, भाईकल्ला, नोवेल्टी सिनेमा, बहुत सारे अलग अलग जगह से यहाँ पे बस आती है। तो आप किधर से भी कौन से स्टेशन से भी यहाँ पे आ सकते हो बस में, और यहाँ पे बाजू में चर्च गेट स्टेशन भी है तो वहाँ से भी आप चल के भी वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट 10 मिनट का, यहाँ पे चल के भी आ सकते। तो ये है कमला नेहरू पार्क का गेट, देख सकते हो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है और देख सकते हो कितना सारा क्राउड भी है। तो अभी आपको दिखाता हूँ अंदर जाके, पूरा एक्सप्लोर करवाता हूँ गार्डन। तो गाइस देख सकते हो हम लोग गार्डन में आ चुके हैं, देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड शानदार गार्डन है। तो अभी आपको पूरा गार्डन एक्सप्लोर करवाता हूँ मैं, देखते रहिए दोनों गार्डन। और यहाँ से पीछे से पूरा मुंबई का व्यू भी दिखता है, पूरा समुंदर वगैरह का, तो वो भी व्यू आपको बताता हूँ मैं। तो फिर चलो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से समुंदर का नज़ारा, पूरा नरिमल पॉइंट और मरीन ड्राइव चौपाटी दिख रहा है यहाँ से, और देख सकते हो पूरा का पूरा समुंदर का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल एंड शानदार दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे आके आप समुंदर का नज़ारा भी देख सकते हो पूरा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे है जूते का घर सब बच्चों लोगों को खेलने के लिए, देख सकते हो पूरा जूते से घर बनाया हुआ है। भाई तेरे को क्यों हंसी आ रही है? मेरे को ये देख के हंसी आ रही है यार, क्या करे। तो देख सकते हो गाइस ऊपर बच्चों को जाने का भी अलाउड है, बड़े लोगों को नहीं है, देख सकते हो सब बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ से ये सर्कल वैसे पूरा मुंबई का व्यू दिखता है, देख सकते हो पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है उधर सामने और पूरा समुद्र का भी नजारा दिख रहा है। देख सकते हो यहाँ पे एक इतना बड़ा वॉच बनाया हुआ है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये मछली का तालाब बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी मछली अंदर छोटी छोटी, और देख सकते हो यहाँ पे कमल का फूल भी है अंदर, अभी फिलहाल कमल आया हुआ नहीं है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नेचुरल गार्डन है और बहुत ही अच्छा घूमने का मजा आ रहा है, और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है यहाँ पे, देख सकते हो सब लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पे आके, खाना वगैरह भी खा रहे हैं, और यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है तो बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। इस देख सकते हो गार्डन के अंदर बहुत ही बड़ा शंख भी लगा हुआ है यहाँ पे फोटो वगैरह शूट करने के लिए। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे बच्चों लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है खेलने का, देख सकते हो पूरा ये बड़े बड़े बच्चे भी एक्सरसाइज करने लगे इधर। सकते हो ये सत्या अभी 2 किलोमीटर का वॉक करके आया है, उसको बहुत सारा पसीना हो गया है। भाई शर्मा क्यों रहा है? तो गाइस अभी हम लोग कमला नेहरू पार्क घूम चुके हैं, अभी जा रहे हैं सामने हैंगिंग गार्डन में, देख सकते हो सामने ये हैंगिंग गार्डन। तो ये है हैंगिंग गार्डन, देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं हैंगिंग गार्डन में, देख सकते हो ये है हैंगिंग गार्डन, अभी आपका ये भी पूरा एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो सामने यहाँ से मुकेश अंबानी सर का घर दिख रहा है, देख सकते हो सामने ही है एंट्री लिया, और बहुत ही अच्छा गार्डन है और बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे घूम रही है, देख सकते हो कितना सारा क्राउड है। गाइस देख सकते हो इसके अंदर छाव भी है बहुत ही अच्छा, देख सकते हो ऊपर कैसा पूरा झाड़ से बना हुआ है।
देख सकते हो पूरा झोपड़ी टाइप बना हुआ है, देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे फिलहाल लोकेशन बहुत ही अच्छा था, इसलिए अभी हम लोग फोटो वगैरह शूट कर रहे हैं, देख सकते हो इवनिंग व्यू का बहुत ही अच्छा सनसेट है, इसके लिए भी फोटो क्लिक कर रहे हैं। देख सकते हो हमारे माल जी भा फोटो क्लिक करवाने के लिए खड़े हैं इधर। अब देख सकते हो गार्डन में ये वायर से हनुमान दादा का मूर्ति भी बना हुआ है, और देख सकते हो गार्डन से सनसेट का व्यू, और यहाँ पे स्टूल भी सब रखे हुए बैठने के लिए। ये देख सकते हो मेरा गोठी बैठा है सतिया। आप लोगों को मैंने हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क दोनों एक्सप्लोर करवा दिया है, तो आई होप आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग्स बहुत ही अच्छा लगा रहेगा, तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, और चैनल पर कोई नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।